हेलो मेरे दोस्त, ये किसी हैं आप सब? नमस्ते मैराथन समझते दोस्तों, इतने दिनों का इंतजार खत्म होता है क्योंकि सीजन 4 यानी कि अप्रैल मंथ का बोया पास का पूरा रिव्यू हमारे हाथ में लग चुका है, जो कि आप लोगों को भी देखने के लिए मिलेगा अगर आप लोग इस वीडियो को कहीं पे भी बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखते हो। और इसी के साथ साथ गेम के अंदर आप लोगों को आज सुबह सुबह इवो AK देखने के लिए मिल चुका है, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि इसके बाद गेम के अंदर नेक्स्ट इवो गन कौन सा रिटर्न में आएगा? तो इतने सारे मस्त मस्त जानकारी लेने के लिए इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। चले फिर बिना किसी वक्त पर बात किए शुरू करते अपने आज का वीडियो एंड शुरू करते अपने आज का कार्यक्रम। दोस्तों इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले रमजान इवेंट के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा इस वाले जो प्याज अपडेट आ रहा है ना, OB39 अपडेट, इसको हम लोग रमजान प्याज के नाम से भी जानने वाले, ठीक है। बहुत सारे बाहर के सर्वर के अंदर आप लोगों को अभी से ही रमजान इवेंट का कुछ पार्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, एंड इससे ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया के अंदर जब OB अपडेट आ जाएगा, रमजान इवेंट आएगा, तब आप लोगों को किस टाइप का इवेंट देखने के लिए मिलेगा। तो इवेंट का नाम आप लोग देख सकते हैं, मून मिस्ट्री रखा गया है, ठीक है। और ये अपने इवेंट कैलेंडर सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को एक मत सा बंडल देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, इस बंडल को आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, ये उसका एक कॉपीड वर्जन है या फिर कलर चेंज कर दिया गया, ऐसे आप लोग बोल सकते हो। बाकी इसके अलावा कुछ टोपी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, एक कीमोट मत सा आप लोगों को फ्री में देखने के लिए मिल जाता है, पर ये आप लोगों को मिलेगा पिक डे प्ले टाइम के ऊपर, मतलब पिक डे के ऊपर 60 मिनट का आप लोगों को गेम प्ले करना पड़ेगा, फिर ये फ्री में मिल जाएगा। बाकी ग्लोअल स्किन आप लोगों को फ्री में मिल जाता है, कैटरीना का स्किन भी यहाँ पे आप लोगों को फ्री में मिल जाता है, और भी काफी सारे रिवार्ड्स आप लोगों ने जैसे कि कैलेंडर के अंदर देख लिया, सारे के सारे चीजें आप लोगों को इधर पे फ्री में मिलने वाले। तो ऐसा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो यार, एक दो दिन बचे हुए हैं अभी इंडियन सर्वर के अंदर, क्या सभी के सभी सर्वर के अंदर यानी कि ग्लोबली OB39 अपडेट ड्रॉप हो जाएगा? बाकी उसके बाद ही जाकर के आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, हाँ, इंडिया के अंदर भी आप लोगों को कोई ना कोई बड़ा इवेंट, कोई ना कोई क्या, रमजान इवेंट ही देखने के लिए मिल सकता है। और इतने सारे रिवॉर्ड्स नहीं, इसके अलावा भी आप लोगों को काफी और सारे रिवॉर्ड देखने के लिए मिलने वाले आने वाले रमजान इवेंट के अंदर, क्योंकि ये जो रिवॉर्ड्स आप लोगों ने देखा ना, ये पुराने रिवॉर्ड्स थे, और इस बार रमजान इवेंट आएगा तो इसके अंदर आप लोगों को OB39 अपडेट के बहुत सारे फ्रेश रिवॉर्ड्स मिलने वाले। जैसे कि मान लीजिए वो पुराना बंडल था, वो तो पहले से ही गेम के अंदर आ रखा है, लेकिन आप लोगों को इस बार रमजान इवेंट के अंदर इनमें से कोई भी एक बंडल फ्री में मिल सकता है, ऐसा ही होगा गाइस, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाला न्यूज पसंद आया होगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए था। बाकी वीडियो के अंदर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग बात करने वाले हैं गेम में आने वाला नेक्स्ट इवो गन की वापसी के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने आज सुबह नोटिस किया होगा गेम के अंदर इवो AK रिटर्न में आ चुका है। वैसे कोई इवो AK को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हर कोई यहाँ पे इवो M1014 की बात कर रहा था, मैंने कॉमेंट स्क्रीन रीड किया था यार, ज्यादा लोग इवो M1014 को ही चाहते थे, पर कोई ना, गरना की मर्जी है, गरना वालों ने इवो AK को तो अभी के लिए लॉन्च कर दिया है, पर बाहर सर्वर के अंदर अभी के लिए आप लोगों को इवो M1014 ही रिटर्न देखने के लिए मिल रहे। तो फिर आप लोग ऐसा उम्मीद कर सकते हो कि गेम के अंदर आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इवो M1014 भी वापसी करेगा, लेकिन वो जल्दी इतना भी जल्दी नहीं होने वाला है। उसके बीच में आप लोगों को एक नया इवो गन भी देखने के लिए मिल सकता है गेम के अंदर, क्योंकि 3-4 इवो गन पेंडिंग है, ठीक है। इवो थम्सन की बात कर लीजिए, इवो G18 का भी शायद से मैंने आप लोगों को रिव्यू दिखा दिया था, यहाँ तक कि इवो M1014 भी गेम के अंदर वर्जन 2.0 में आ रहा है। तो कोई भी पुराना इवो गन वापस आने से पहले कोई ना कोई नया इवो गन जरूर से जरूर यहाँ पे आप लोगों को लॉन्च होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, इस चीज का गारंटी है। दोस्तों वीडियो के अंदर हम लोग इतना आगे तो आ ही चुके हैं, अभी के लिए हम लोग सीधा बात कर लेते हैं गेम में आने वाला नेक्स्ट बुया पास यानी कि सीजन 4 या फिर कह लीजिए अप्रैल बुया पास का पूरे रिव्यू के बारे में। हम लोग इसके बंडल देखने वाले हैं, हम लोग इसके जितने भी और रिवार्ड्स है वो भी देखने वाले, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया था लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब की दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल दीजिए, चैनल वैसे भी बहुत ज्यादा डाउन में चल रहा है, अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और मैं मोटिवेटेड फील करूंगा यार, अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा। आप लोग देख पा रहे होंगे यार, वीडियोस के अंदर मीम्स आप लोगों को कम देखने के लिए मिल रहे हैं, आज के वीडियो के अंदर तो ना के बराबर ही था, क्योंकि यार मोटिवेशन नहीं मिल रहा यार वीडियो बनाने के लिए, अच्छा सा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो यार थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग दिखाओ और हम लोग भी बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे यहाँ पे अच्छा खासा वीडियो बनाने की। बाकी अभी के लिए हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गेम में आने वाला न्यू सीजन 4 यानी कि अप्रैल मंथ की बुया पास के बारे में। बुया पास जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
उसे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका लोगो होता है और ये है अपना अप्रैल भुया पास का सबसे पहला लोगो। लोगो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, लोगो के अंदर आप लोग को जो भी चीज दिखता है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे मछली दिख रहा है, तो पूरा का पूरा भुया पास उसी थीम के ऊपर बेस्ड होगा। तो यही चीज हम लोग को लेकर चलता है बंडल्स की तरफ। बंडल पे आप लोग देख सकते हो कहीं ना कहीं पानी का यानी कि वाटर का थीम आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। मेल बंडल के साथ साथ फीमेल बंडल को भी यहाँ पे आप लोग एक बार के लिए देख सकते हो। ये पूरा रिव्यू तो नहीं है गाइस, ठीक है, जो कि आप लोग को आगे चल करके वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, पर ये बस एक छोटा सा बैनर है जो कि मैंने आप लोग को दिखा दिया, जो कि अप्रैल भुया पास के अंदर आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी अभी के लिए हम लोग इन सारे चीजों को छोड़ देते हैं और एक एक करके सारे चीजें देख लेते हैं जो कि आप लोग को नेक्स्ट भुया पास के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले अगेन बंडल से। बंडल कुछ इस प्रकार का आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, साइन भी वही बना हुआ है गाइस, मछली का साइन बना हुआ है। बाकी बंडल को आप लोग देख लीजिए, ये है मेल बंडल, ये है फीमेल बंडल, लेकिन 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 बंडल जो आप लोगों को पहले मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, कम लेवल पे मिलेगा, ठीक है। ऊपर जाने पर जैसे आप लोग अपग्रेड करोगे तो बंडल आप लोगों को कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिल जाएगा, पर नॉर्मल लेवल के ऊपर कुछ इस प्रकार का बंडल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है गाइस, ठीक है। इसके अलावा एक पेट का स्किन ये रह गया, मेरे ख्याल से ये भी एक गन का स्किन होने वाला है। ये भी से मेरा ये मतलब है कि इसके अलावा और एक गन स्किन भी है, नीचे धीरे धीरे वो शो हो रहा है गाइस। P90 का गन स्किन की हम लोग बात कर रहे थे, नीचे दिख रहा है ना गाइस, हां ये आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा यहां आप लोग कुछ इस प्रकार का सरबोर्ड भी देखने के लिए मिल रहा है, गन का स्किन कुछ इस प्रकार का आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ये वाला भुया पास उतना भी ज्यादा ओपी नहीं लगा, वो इसलिए हो सकता है ये अभी फोटो फॉर्मेट में है, इसका क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा कम है और डिटेलिंग भी पता नहीं लग पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ओबी अपडेट आने दीजिए, अच्छे से हम लोग इसके बारे में एक और बार बात करेंगे। बाकी अभी के लिए तो मैंने आप लोगों को एक मस्त सा शानदार सा ओवरलुक दे दिया कि हाँ ऐसा ऐसा होगा आप लोगों का भुया पास, लेकिन जब पूरा वीडियो निकल के आएगा हम लोग वापस से इस वाले भुया पास के ऊपर बात करेंगे और चर्चा करके देखेंगे कि ये भुया पास अच्छा है, इसको लेना चाहिए या फिर इसको आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अभी के लिए चलिए दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस वाले वीडियो का, मतलब आज का टूनेट अपडेट के बारे में। वैसा कुछ बड़ा सा टूनेट अपडेट तो आज है नहीं, ठीक है, लेकिन बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि आज का टूनेट अपडेट ये है कि ब्लेज ऑफ ग्लोरी इवेंट जिसके अंदर आप लोगों को फ्री इमोट्स देखने के लिए मिल रहा था, ये इमोट कल तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आज का टूनेट अपडेट, ऐसा सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स कर रहे हैं गाइस, आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग सिर्फ और सिर्फ टूनेट अपडेट दे रहे हैं। बाकी आप लोगों ने जैसा कि देखा, मैंने एक भी इमोट इधर पे क्लेम नहीं कर पाया हूं क्योंकि ज्यादा गेम प्ले नहीं कर रहा हूं आजकल, ठीक है। बाकी आप लोगों ने क्या इसके अंदर से कोई भी इमोट को क्लेम किया? बाकी ऑफर या फिर इवेंट बहुत ज्यादा बढ़िया था यार, इतने सारे इमोट्स आप लोगों को शानदार शानदार से फ्री में देखने के लिए मिल रहे थे और इवेंट भी बहुत ज्यादा टाइम के लिए टिका हुआ था, तो आप लोगों को टाइम तो मिला होगा, इस चीज का मैं गारंटी दे सकता हूं। बाकी कौन कौन से बंदे कितने कितने इमोट को क्लेम किया है, 3-4 इमोट्स थे ना यहाँ पे, ठीक है, आपने कितना इमोट्स का यहाँ पे छापा मारा कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना। बाकी चले दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। हम लोग बाकी बात करते हैं बाद में, मैं मिलता हूं आप सभी से किस नेक्स्ट ज्यादा वीडियो में, तब तक के लिए वाई टेक केयर, अच्छे खेलते रहो, अपने सारे एनिमीज को मारते रहो। अरे यार वीडियो 8 मिनट का नहीं बना, आइडिया खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।